दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में तो पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, महाभारत का चलने वाला युद्ध देखने में जितना खतरनाक था, उतना ही वो अपने अंदर हजारों रहस्य को समेटे हुए है। उन्हीं रहस्यों में से आज हम आपको कुछ रहस्य बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया था और उन्हें यह कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। दुर्योधन के इस बात पर भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने अपने 5 सोने के तीर निकाले और उन तीरों के अंदर कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से ये कहा कि कल वो इन 5 तीरों से पांडवों को मार देंगे। इसके बाद दुर्योधन को भीष्म पितामह पर विश्वास नहीं हुआ। तभी दुर्योधन ने वो 5 तीर ले लिए और साथ में उसने ये कहा कि मैं इन तीरों को सुबह वापस करूंगा, और इसके आगे की कहानी और भी मजेदार है। जैसे ही ये बात श्री कृष्ण को पता चली, तुरंत श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन, तुम दुर्योधन के पास जाओ और उन 5 तीरों की मांग करो, क्योंकि तुमने एक बार दुर्योधन की गंधर्व से जान बचाई थी, और उस समय दुर्योधन ने अर्जुन से ये कहा था कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले तुम जो चाहो मांग सकते हो। अर्जुन ने उसका जवाब ये दिया था कि मैं समय आने पर मांग लूंगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि दुर्योधन ने तुम्हें जो वचन दिया था वो उसको पूरा करेगा। तभी अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने उन 5 तीरों को मांग लिया, और दुर्योधन ने क्षत्रिय होने के नाते अपने वचन को पूरा किया और सभी तीर अर्जुन को दे दिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है, जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे, तब उन्होंने अपने पुत्र से ये कहा था कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। किसी ने भी उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया, लेकिन केवल सहदेव थे जिन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया था। सहदेव ने उनके मस्तिष्क का जब पहला भाग खाया तो उन्हें दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, और दूसरी बार खाने के बाद उन्हें वर्तमान में घट रही घटनाओं का ज्ञान हुआ, और जैसे ही उन्होंने मस्तिष्क का तीसरा भाग खाया तो उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये सुनकर भी बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दे दी थी, और बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि मरने से पहले वे शादी कर लें, लेकिन उनसे शादी करने के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धर लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उनसे विदा करते हुए रोए भी थे। दोस्तों, सहदेव जो अपने पिता के मस्तिष्क को खाकर बुद्धिमान बने थे, उनके अंदर भविष्य देखने की क्षमता थी, इसलिए वे दुर्योधन के पास गए और युद्ध शुरू करने से पहले उनसे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव जानते थे कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया था। दोस्तों, धृतराष्ट्र का एक और बेटा भी था जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। दरअसल उस बेटे का नाम युयुत्सु था। युयुत्सु एक वैसे महिला का बेटा था, दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ भी थे, और उस दासी के गर्भ से युयुत्सु नाम के पुत्र ने जन्म लिया था। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा राजा भी था जो दोनों ही सेनाओं की तरफ से लड़ रहा था। दरअसल उस राजा का नाम उड्डपी था। उड्डपी ने श्री कृष्ण से ये कहा था कि कौरव और पांडव के इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत जरूर होगी। इस 18 दिन तक चलने वाले युद्ध में जितने भी सैनिक दोनों तरफ से होंगे, हम उन सभी को भोजन खिलाएंगे, और हम 18 दिनों में भोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देंगे। जब सेना ने इस भोजन का कारण पूछा था तो उसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ही उन्हें जानकारी दे देते कि कितने लोग आज जीवित हैं और कितना भोजन बनाया जाएगा। दोस्तों, युद्ध में जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसकी 3 उंगलियां उठी हुई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि दुर्योधन कुछ कहना चाहता है। दरअसल वो ये कहना चाहता था कि अगर वो युद्ध में 3 गलतियां नहीं करता तो युद्ध जीत लेता। लेकिन तभी कृष्ण ने उत्तर में ये कहा कि तुम कुछ भी कर लेते, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें हार नहीं था। और ये सुनते ही दुर्योधन ने अपनी सारी उंगली नीचे कर ली। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे भी मैं इसी तरीके के रहस्य लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।